इस वाली वीडियो में क्या कवर करेंगे, राउंड वन, राउंड टू और मॉपअप और स्ट्रे राउंड में ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू क्या रैंक्स रही थी अलग अलग कॉलेज की, किस रैंक पे ओपन हुआ था, किस रैंक पे क्लोज हुआ था, टोटल कॉलेज में कितनी सीट है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट का 2022 के रिजल्ट का अभी भी कुछ अता पता नहीं है, 2021 का डेटा आपको दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेटा है, एग्जैक्टली ऐसा होगा पता नहीं, पर जिस सीक्वेंस में शायद कॉलेज भरे जाएंगे हमने देखा 2020 और 2021 में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो नए कॉलेज ज्यादातर आए वो बिल्कुल नीचे की तरफ चले गए, ठीक है, जैसे बहुत सारे जो ऑटोनोमस कॉलेज यूपी में आए बिल्कुल नीचे की तरफ भरे। तो इसको देख लीजिए, मॉपअप और स्ट्रे राउंड, ये सारा डेटा राउंड वन, राउंड टू और ये वाली जो शीट आपको दिखाई दे रही है मॉपअप एंड स्ट्रे राउंड, ये सारा डेटा हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ये तीन पीडीएफ, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक एक करके बता देता हूं क्या क्या चीज है, ठीक है। क्या होता है राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप और स्ट्रे राउंड? आपके राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप और स्ट्रे, ये एक सेकेंड, ये ऑल इंडिया लेवल पे हुआ, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, है ना, स्टेट कोटा में भी इसी तरह से राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप और स्ट्रे। एक काम पहले क्या होता था, राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप और स्ट्रे जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे नहीं होता था, ठीक है, जो सीटें बचती थी वो स्टेट के पास चली जाती थी, एक्सेप्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एम्स, बीएचयू, जिपर, एमयू वगैरह, बाकी जो कॉलेजेस आप शीट में देखेंगे उन सबकी सीटें वापस चली जाती थी और स्टेट लेवल पे ये होता था। पर 2021 से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं, इससे वो स्टेट जहां पे सीटें कम है उनको नुकसान होता है, तो ये चीज होना बंद हो गई। अब टिपिकली क्या होता है, राउंड टू के बाद आपको कमिटमेंट करना होता है, राउंड टू के बाद आपको कमिटमेंट करना होता है, आपको कॉलेज की सीट फ्रीज करनी होती है, फिर आप सीट छोड़ नहीं सकते। तो ये दोनों साथ में चल के इस तरह से होता है कि इन दोनों के राउंड टू आसपास होते हैं और आपने यहां डिसीजन लिया या यहां लिया, आपकी सीट फ्रीज हो गई। उसके बाद जो लोग रह जाते हैं जिनको सीट नहीं मिलती है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, जिन लोगों को सीट नहीं मिलती है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जिनको सीट मिल जाती है उनको कंपल्सरीली यहां पे सीट को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है, पहली चीज ये हो गई। इसकी वजह से आप एक बहुत जबरदस्त चीज देखेंगे, जो मैंने आपको डेटा दिया है मॉपअप और स्ट्रे राउंड वाला, उसमें देखिए गजब चीज देखिए। राउंड वन, मैं तिरुवनंतपुरम की बात कर रहा हूं, तिरुवनंतपुरम, होपफुली मेरी स्पेलिंग अनंतपुरम है ना, स्पेलिंग गलत नहीं है होपफुली। तो तिरुवनंतपुरम में राउंड वन के अंदर क्लोज हुआ 1420 रैंक पे, राउंड टू के अंदर क्लोज हुआ 3434 रैंक पे, ठीक है, और मॉपअप और स्ट्रे के बाद जो फाइनल क्लोजर आप तीसरे पीडीएफ में देखेंगे वो 19,762 है। दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लीजिएगा। जिस तरह से मॉपअप और स्ट्रे, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया, यहां पे लोगों को कम्युनिकेट होता है आप सीट छोड़ रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, तो ज्यादातर लोग यहां पे इस जगह पे फ्रीज कर देते हैं। इसके बाद बहुत लिमिटेड सीटें बचती है, बहुत ज्यादा लिमिटेड, तो यहां पे वही कर सकते हैं जिनको कोई सीट नहीं मिली, और उसमें फिर एक तरह की लॉटरी होती है, आपकी किस्मत होती है एग्जैक्टली। चलो लेट मी नॉट यूज द वर्ड लॉटरी, नहीं तो पता चल गया कि वो एक अलग कॉन्ट्रोवर्सी बन गई। अब यहां पे थोड़ा किस्मत का खेल है, बहुत सारे लोग बचेंगे और फिर एक जगह पे क्लोज हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता 1962 पे कैसे पहुंचता है, ठीक है, 3434 से 1962 पे कैसे पहुंचता है, शायद सारे लोग डर गए। तिरुवनंतपुरम जैसा अच्छा कॉलेज मिल सकता था पर नॉट सो गुड कॉलेज में पहले ही कर दिया और उसके बाद यहां तक पहुंच गए। तो आप ये वाला डेटा जो है ना, मॉपअप और स्ट्रे राउंड वाला, इसको अपनी कैलकुलेशंस में कंसिडर मत करिएगा, आप यहां पे रुक जाइएगा राउंड टू वाले डेटा पे। होपफुली आप लोग को यह चीज समझ में आ गई होगी, नहीं आई है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, वीडियो को वापस देख लीजिए, ठीक है। हर एक कॉलेज में कितनी सीटें हैं आपको एक्चुअल सीटें दिखाई देंगी यहां पे इन वाले कॉलेजेस में। हाँ एक मिनट, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आपको
इन वाले कॉलेजेस में एक्चुअल सीटें दिखाई देंगी, है ना। ये एम्स है, चिपमर पुडुचेरी क्लोजर टू एक्चुअल सीट्स, हालांकि इसमें पांडिचेरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्वेशन होता है। एम्स भुवनेश्वर, देखिए एम्स भोपाल, यहाँ पे आपको एक्चुअल सीटें दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एम्स भुवनेश्वर का डेटा दो जगह पे कैप्चर हो गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए एक्चुअल सीटें हो गई, मैं भी सोचा था कुछ गड़बड़ है क्या। और यहाँ पे देखिए ये कम सीटें हैं, तो जैसे कहीं पे आपको 15 सीट दिखाई दे रही है, तो ऑल इंडिया के थ्रू 15 हुआ, एक्चुअल सीटें कितनी होंगी, दिस 15 रिप्रेजेंट्स 15%, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 15 डिवाइडेड बाय 15 कर दीजिए, जो भी यहाँ पे नंबर है इसको, गंदा हो गया है तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, है ना, एक मिनट के लिए। चलो 35 को देखते हैं, 35 है मौलाना आज़ाद, है ना। देखो मौलाना आज़ाद 35 है, तो एक्चुअल सीट्स कितनी होंगी मौलाना आज़ाद में, एक्चुअल सीट 35 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 विच इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 250 सीट्स। जैसे से 35 सीटें ऑल इंडिया काउंसलिंग पे गई और 215 सीटें स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होंगी, जो दिल्ली के डोमिसाइल हैं उनको मिलेगी, है ना। तो होपफुली आप लोग को ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी, ये मैंने तीसरी चीज़ कवर की है। मैं वापस जो मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया है, ये तीनों PDF, राउंड वन ऑल इंडिया काउंसलिंग 2021, राउंड टू ऑल इंडिया काउंसलिंग 2021 एंड मॉप अप एंड स्ट्रे राउंड, मैंने आपको मॉप अप और स्ट्रे का भी लॉजिक समझा दिया, इसका भी PDF नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। इस वाले डेटा को कंसिडर मत करिएगा अपने कैलकुलेशंस में, बहुत दूर हो जा रहा है डेटा, ठीक है। तो इन दो के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बता दी कि टोटल सीट निकालने का तरीका क्या है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ऑल इंडिया से रिलेटेड 2021 का, MBBS से रिलेटेड, BDS नहीं, हम BDS कवर नहीं कर रहे, MBBS से रिलेटेड आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर दिया जो नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे है। अब हम धीमे धीमे करके आपको स्टेट का डेटा प्रोवाइड करेंगे और होपफुली NTA जल्दी रिजल्ट देगा। ना जाने क्यों इतनी देरी, ना जाने वो क्यों नहीं बता रहे कि गंगानगर और बाकी जो चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेट की थी, क्लियरली दिखाई देता दे रहा था कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम हुई स्टूडेंट्स के साथ कुछ एग्जाम देते समय, उसके बारे में क्या करेंगे, एकदम सन्नाटा है NTA की तरफ से। होपफुली दे विल टेल यू एंड दिस प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग रिजल्ट, काउंसलिंग अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, वो जल्दी से खत्म हो। कोई भी आपका सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है बच्चों।